एशिया कप से पहले बाबर आजम वनडे रैंकिंग में बने नंबर वन। एशिया कप 2023 से पहले पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम बेहद ही शानदार लय में दिखे। टीम और कप्तान दोनों ने आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर वन की पोजीशन हासिल कर ली है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 3 मैचों की वनडे सीरीज में 3-0 से शिकस्त दी, जिसके बाद पाकिस्तान को रैंकिंग में फायदा हुआ। वहीं कप्तान बाबर वनडे में पहले से ही नंबर वन पर हैं। आईसीसी वनडे की टॉप 5 रैंकिंग में सिर्फ एक भारतीय शुभमन गिल शामिल हैं। गिल रैंकिंग में नंबर 4 पर मौजूद हैं। वहीं बाबर आजम की बात करें तो 880 रेटिंग के साथ उन्होंने नंबर वन की पोजीशन हासिल की है। वहीं साउथ अफ्रीका के वंडरसन ने 777 रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर और पाकिस्तान के इमाम उलक 752 रेटिंग के साथ तीसरे, साथ ही शुभमन गिल 743 रेटिंग के साथ चौथे और पाकिस्तान के फकर जमान 740 रेटिंग के साथ 5वें नंबर पर मौजूद हैं। आईसीसी वनडे रैंकिंग की टॉप 5 की लिस्ट में 3 पाकिस्तानी, 1 भारतीय और 1 साउथ अफ्रीका का खिलाड़ी मौजूद है, यानी वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान के खिलाड़ियों का दबदबा है। वहीं अगर टॉप 10 में देखा जाए तो भारतीय सुपरस्टार विराट कोहली 705 रेटिंग के साथ 9वें स्थान पर मौजूद हैं। गौरतलब है कि अफगानिस्तान को वनडे सीरीज में 3-0 से करारी शिकस्त देकर पाकिस्तान वनडे की नंबर वन टीम बन गई है। इस बार एशिया कप भी वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा, ऐसे में ये पाकिस्तान के लिए वनडे में बड़ी उपलब्धि है। वहीं वनडे रैंकिंग में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से 1 कदम नीचे यानी 3रे स्थान पर मौजूद है। फिर नंबर 4 पर न्यूजीलैंड और 5 पर इंग्लैंड ने कब्जा किया हुआ है।